भारत की कई नदियों पर उनके खो जाने का खतरा मंडरा रहा है। गंगा की हालत तो हमने देखी है, दिल्ली में यमुना नदी भी दम तोड़ती नजर आती है। सरस्वती नदी के विलुप्त होने की कहानी हम सब जानते हैं, हमने सुनी। ऐसे में मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी कि नर्मदा नदी भी कहीं इसी रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर नर्मदा का जलस्तर काफी कम हो गया है, कहीं कहीं पर तो यह नदी सूखने लगी है। ऐसे में जी न्यूज नर्मदा का हाल जानने के लिए पहुंचा उसके उद्गम स्थल यानी कि अमरकंटक। जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने ग्राउंड जीरो पर यह जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों नर्मदा का अस्तित्व खतरे में आ गया है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा। भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा खींचने वाली ये नदी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर अरब सागर में जाकर मिलती है। लेकिन अब करोड़ों लोगों को जीवन देने वाली नर्मदा के खुद के अस्तित्व पर ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हजार किलोमीटर से लंबी यह नदी अब मध्य प्रदेश और गुजरात में बने दो बांधों के बीच 269 किलोमीटर के हिस्से में सिमट कर रह गई है। नर्मदा का जल स्तर रिकॉर्ड स्तर पर कम हो गया है। नर्मदा पर छाए सबसे बड़े संकट की छानबीन करने जी न्यूज नर्मदा के उद्गम स्थल की यात्रा पर निकल पड़ा। एक तरफ सतपुड़ा के घने जंगल, तो दूसरी तरफ विंध्य की हरी भरी वादियां। देश की दो बड़ी पर्वत श्रेणियों के बीच मैकल पर्वत, हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ों के बीच मैकल पर्वत से नर्मदा जीवनदायिनी बनकर निकलती है। हम ले चल रहे हैं आपको नर्मदा के उद्गम स्थल, ये बताने के लिए कि ये जीवनदायिनी नदी आज किस सूरत में है। सबसे पहले प्रथम पहाड़ के ऊपर माई की बगिया की तरफ पड़े, जहां कुंड के रूप में नर्मदा का प्रथम दर्शन होता है। मां नर्मदा यहीं से जलधारा के रूप में प्रकट होती हैं, दर्शन देकर गुप्त हो जाती हैं और आगे कुछ दूर चलकर वहां फिर प्रकट होती हैं। पहले यहां बांस के पेड़ों का झुरमुट था, जो नेचुरल बहाव पहले दिखता था, लेकिन धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हो गया, ऐसा निर्माण हो गया, लिहाजा तस्वीर बदल गई। अब हमें ये बताइए पंडित जी, जो ये पांचों कुंड हैं और जो आपके नर्मदा का उद्गम पूरा क्षेत्र है, बीते कुछ दशकों से क्या बदलाव आया है? क्या जो प्राकृतिक यहाँ की सुंदरता थी उसमें कमी आई है, इंक्रोचमेंट हुआ है, कुछ बदलाव आया है? कुछ बदलाव ये आया है कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो है हुआ है, पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो पत्थर से होना चाहिए वो सीमेंट ईंटे से हुआ है, उससे नुकसान की है। अच्छा, पत्थर से होना चाहिए तो पत्थर तो पानी पीता नहीं है, नुकसान देता नहीं है और वो अनादि समय तक बना रहता है। तो ये सीमेंट गिट्टी का कुछ कार्य जो ज़्यादा हुआ है इधर उधर, तो जल स्रोतों में थोड़ी बहुत कमियां आई हैं। माई की बगिया से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर ही सोनभद्र का उद्गम होता है। वहाँ के हालात भी कुछ अच्छे नहीं दिखे। मेकल पर्वत से ये सोन का उद्गम स्थल है और यहीं से आगे सोन नदी शुरू होती है
और कुछ कदमों के दूरी पर आगे भद्र जो है, भद्र का उद्गम है। और यहाँ पर जाके जो सामने तस्वीरों में लिखा हुआ देख रहे हैं कि यहाँ पर सोन और भद्र का संगम हो जाता है। कहा जाता है कि ये दोनों भाई हैं और यहाँ आके दोनों मिलते हैं और यहाँ से नदी के रूप में आगे बढ़ती है सोन भद्र। यहाँ पे 10 नदियों का उद्गम हुआ है, मुख्य रूप से सोनभद्र, नर्मदा और ज्वालावती गंगा, तीन को विशेष करके जाना जाता है। यहाँ पर भारी तादाद में पेड़ों की कटाई और विस्फोटक के इस्तेमाल की वजह से मैकल पर्वत को भारी नुकसान पहुँचा है और इससे नर्मदा के उद्गम पर संकट मंडरा रहा है। आप कितने वर्ष से यहाँ पर हैं सोमेश्वर जी, और बताइए हमें किस तरह का बदलाव हुआ है यहाँ पर प्राकृतिक या कहें पूरे एनवायरनमेंट में? आज जो है मैं, आज मेरे को लगभग 40-42 साल के अनुभव है। सन 78 से मैं हूँ और आता जाता रहूँ, 88 से मैं इस पद पे ही महंत के रूप में। तो पर्यावरण की इतनी क्षति हुई है, यह जो अमरकंटक की जो श्रृंखला है वो सने सने करके डाउन होते जा रहा है, नीचे बैठते जा रहा है। अगर आप उसको देखेंगे, वजह क्या है? उसकी वजह है कि वृक्षों की बड़ी संख्या में कटाई हुई है और पहले बड़ी संख्या में यहाँ पे बॉक्साइट जो निकलती थी और बड़े बड़े उसमें जो है मसाले और बारूद और इस प्रकार के विस्फोटक चीज डाला जाता है, उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग मकान भी ढह गए हैं। यहाँ इतनी संख्या में टाइगर थे, चीता थे, जानवर थे, वन प्राणी थे कि आप दिन में किसी भी स्थिति में आप नहीं आ सकते थे। मेरा स्वयं का अनुभव किसी से भी पूछ सकते हैं। तो उसका भी बहुत बड़ी क्षति हुई, उसका मुख्य कारण यह है कि पर्यावरण की बड़ी क्षति हुई, बड़ी संख्या में यहाँ पे दोहन हुआ है, कटाई हुआ है। अमरकंटक के इस इलाके में पेड़ों की कटाई कई वर्षों से लगातार हो रही है, कटाई के निशान हर जगह मौजूद हैं। अमरकंटक के जंगलों में कटाई भी धीरे धीरे हो रही है और उसका असर भी पर्यावरण पर दिख रहा है। तस्वीर आपके सामने है, इस तरह से धीरे धीरे पेड़ काटे जा रहे हैं। ये साल के घने जंगल हैं। हमारे साथ अवधेश हैं, स्थानीय निवासी हैं। अवधेश, ये बताइए कि आप बचपन से किस तरह से देखते आ रहे हैं अमरकंटक में और क्या बदलाव आप देख रहे हैं? इस समय अमरकंटक में बहुत ज़्यादा बदलाव है। जिस जगह में अपन खड़े हुए हैं, एक समय था यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, बहुत घना जंगल था। और अभी आपको स्थितियाँ दिखाई जाएं, ये देखिए पेड़ काटे जा रहे हैं इस तरफ, ये देखिए आप, ये पेड़ कटे हुए हैं। यहाँ आप थोड़ी थोड़ी दूर में चलिए, बहुत सारे पेड़ कटे हुए दिखेंगे आपको। और इस जस्ट अपन उस तरफ देखें रोड के उस पार, तो एकदम घना जंगल है। जैसा वो घना जंगल उस तरफ दिख रहा है आपको, वैसा ही घना जंगल इस तरफ था। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे यहाँ कंट्रैक्शन करते जा रहे हैं। ये देखिए आप, तांत्रिक मंदिर बन रहा है जो, यहाँ भी पहले पूरा घना जंगल था, आप देखिए पूरा धीरे धीरे कट कट के पूरा मैदान करके अब मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उद्गम स्थल की ये तस्वीर देखकर आपको शायद यकीन ना हो कि इसी नर्मदा को माँ के रूप में पूजते हैं और यही नर्मदा करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी है। लेकिन हम उसकी सूरत कैसे बिगाड़ रहे हैं? झरने के रूप में नर्मदा की उद्गम धारा को आप देख रहे हैं। कभी ये बड़े रूप में बहती थी, उद्गम स्थल में जल धारा पतली छोटी हुई और बड़ा बदलाव आया है। आप बताइए प्रोफेसर साहब कि किस तरह से जो ये उद्गम स्थल है, आप लोग कह रहे हैं कि नष्ट हो रहा है, किस तरह से इस पर संकट आया? देखिए हम लोग कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, बचपन से हमारा आना हुआ है। हम पहले जब आते थे तो ये जलधारा एक तो काफ़ी मोटी थी और बिल्कुल स्वच्छता थी यहाँ पे। यहाँ कोई ऐसा जितने जो कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थे, तो उसका कारण ये होने के कारण से जो शुद्धता ही थी यहाँ बहुत ज़्यादा थी, यहाँ कोई गंदगी नहीं थी। जलधारा में कमी आई है, जलधारा में कमी आने का, अब जलधारा में जो यहाँ से निकलती है इसमें कमी आई, जलधारा में कमी आई है। उसका जो प्रमुख कारण है, आप देख रहे होंगे जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं, इसका मतलब है नदी के आसपास का जो वन क्षेत्र था, रायपेरियन जोन, पूरी तरह से वो खत्म कर दिया गया है। ये जो इधर तक आप बता रहे थे यहाँ जंगल था पहले, जी जी बिल्कुल, यहाँ आप यदि देखेंगे तो ये जो जंगल आपको पीछे तरफ दिख रहा है ये पहले बिल्कुल सटा हुआ था। इसको जो इसका चौड़ीकरण किया गया है, इसको सौंदर्यीकरण करने के चक्कर में, इसको और गहरा करने के चक्कर में इनने इसको जो इसके लगे हुए जो पेड़ थे वो भी नष्ट कर दिए हैं। और आप समझिए कि जो नर्मदा है या किसी भी नदी का जो जीवन क्षेत्र है वो ये वृक्ष होते हैं जिनसे वो नीचे धीरे पानी रिसता है।
नर्मदा के प्रति आस्था की तस्वीर आप अमर कंठक में चारों तरफ देख सकते हैं, लेकिन आस्था के साथ साथ नदी को बचाने की चिंता की तस्वीर अमरकंटक में कहीं दिखाई नहीं देती। अमरकंटक में ये नर्मदा कुंड है, पहाड़ पर ऊपर माई की बगिया में नर्मदा कुंड में प्रकट होती हैं, वहीं से फिर गुप्त हो जाती हैं और नीचे आकर फिर यहाँ प्रकट होती हैं और इसके आगे नदी के रूप में बहती हैं, आगे बढ़ती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हालात अगर नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब अमरकंटक को भी पानी के संकट से दो चार होना पड़ेगा। नर्मदा पर जो संकट आएगा वो तो अलग से है। यहाँ से कई प्रसिद्ध नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और इस यहाँ पे इस जगह पे आज ये स्थिति है कि जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जो इस बुरी तरह से यहाँ के इकोसिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट किया जा रहा है वो कंक्रीटीकरण किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे नेचर को कंजर्व करने की ज़रूरत है। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाए जाएँ, वन विभाग द्वारा कटाई को रोका जाए, मतलब अवैध कटाई भी होती है, अवैध कटाई बहुत ज़्यादा होती है, कोई रोकथाम नहीं है उसकी। अमरकंठक के आसपास के कुछ और इलाकों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नए नए बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। इससे अमरकंठक में इकोसिस्टम ही खत्म होता जा रहा है। नर्मदा अमरकंठक से निकलकर डिंडोरी मंडला होते हुए जबलपुर पहुंचती है। जी न्यूज की टीम भी उद्गम स्थल से आगे की तरफ बढ़ी और जबलपुर में नर्मदा के संरक्षण के लिए डेढ़ दशक से काम करने वाले नर्मदा मिशन के संस्थापक भैयाजी महाराज से समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। हम इस वक्त जबलपुर में हैं और नर्मदा नदी के बीचों बीच हैं। आप नर्मदा की जलधारा को देख सकते हैं, लेकिन इस तरह की जलधारा हर जगह नर्मदा में आपको नज़र नहीं आएगी। ये इसलिए दिख रहा है ये पानी इतना क्योंकि डैम से छोड़ा गया है, हर दिन सुबह छोड़ा जाता है और इस तरह से आपको ये नज़र आता है। हमारे साथ नर्मदा मिशन से भैया जी महाराज हैं जो लगातार नर्मदा बचाने के लिए, नर्मदा के संरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं और बीते 250 से ज़्यादा दिनों से नर्मदा जल पर ही हैं और एक व्रत लिया है नर्मदा को बचाने के लिए, उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी ये देख रहे हैं नर्मदा का जल, इसमें क्या ऐसी अब नुकसान पहुंच रहा है जिससे नर्मदा को संकट हो रहा है आने वाले दिनों में? माँ नर्मदा ये मध्य भारत की जीवन रेखा है और इस समय माँ नर्मदा के उद्गम स्थल से लेके भरूच तक, जहाँ सागर से मिलती है, संपूर्ण नर्मदा पर अस्तित्व के गहरे संकट मंडराने लगे हैं। नर्मदा के अस्तित्व पर सबसे बड़ा यदि कोई संकट अभी वर्तमान स्थिति में है तो वो जिसे ये माँ नर्मदा हमारा जीवन है, लेकिन जीवन देने वाली का भी एक जीवन क्षेत्र होता है और माँ नर्मदा का जो जीवन क्षेत्र है वो किनारे के वो हरित क्षेत्र है, ये अभ्यारण्य और वन, ये पेड़ पौधे हैं जिन, ये जल संग्रहण क्षेत्र है और ये जल संग्रहण क्षेत्र, हरित क्षेत्र धीरे धीरे एक दो दशकों से बड़ी तीव्रता से कम होता जा रहा है, जिसके कारण माँ नर्मदा का जल स्तर बड़ी तीव्रता से घटा है। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे पेड़ों के कट जाने से नदी के किनारे पर कटाव होने लगे हैं। सिकुड़ती नर्मदा को लेकर कुछ मिनटों या कुछ घंटों में विश्लेषण नहीं किया जा सकता, लेकिन यह बात तो साफ है कि जीवन दायिनी नर्मदा को अगर समय रहते नहीं बचाया गया तो इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ना तय है। ये बात सिर्फ नर्मदा की नहीं है, इतिहास गवाह है, युगों युगों से मानव सभ्यता नदियों के किनारे ही विकसित हुई है, फली फूली है, लेकिन ये जानते हुए भी कि नदियों से मानव का अस्तित्व जुड़ा है, हम सब नदियों को ही खत्म करने पर उतारू हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नदियाँ खत्म होंगी तो मानव सभ्यता भी खत्म होने के कगार पर होगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
भैया जी महाराज नर्मदा मिशन के संस्थापक पिछले 260 दिनों से अन्न त्याग कर नर्मदा को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस समय वो अस्पताल में भर्ती हैं। हमारी कोशिश ये है कि नर्मदा को बचाने का जो आंदोलन है, जो कोशिश है, वो भैया जी महाराज जैसे कुछ लोगों तक सीमित ना रहे। हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी हम नर्मदा को, अपनी नदियों को बचा पाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.